أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مولك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. الذين عليهم عليهم غير المغضوب ولا الضالين. जरत आयतम जवाद अमूल फज्ला की तफसर तस्तीम का सिलसिला जारी है सुल की चौथी आयत मउमुद्दीन यानी वो खुदा जो योमुद्दीन क़यामत का मालिक खुदावंद मुताल ने दुनिया में दीन के ज़वाहर जैसे कि इंसान जब खुदावंद मुताल की इतात करेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा या खुदा वंद मताल के ये ये मासी है इनको इंसान अंजाम देकर गुनाह का मरतक हो सकता है खुदावंद मुताल ने दीन के ज़वाहर को ज़ाहिर कर दिया है बयान कर दिया है लेकिन दीन के कुछ बवातिन और असरारमूज भी हुआ करते हैं जिसकी तरफ खुदावंद मुताल ज़राफ़त के साथ इशारा फरमा रहा है जैसे कि बहाल नमार की रिवायत के मुताबिक कि जब कोई शख्स गीबत करता है तो वो गीबत जहन्नम दोजख के कुत्तों की गजा हुआ करती है और क़यामत में गीबत और हर गुनाह की असल हकीकत जाहिर और वाज हो जाएगी बल्कि कयामत तो तमाम दिन के हकायक के ूर का दिन है और उस दिन हर चीज़ की हकीकत आशकार हो जाएगी ज़ाहिर हो जाएगी चाहे वो अच्छे और नेक अमाल हो चाहे वो बुरे और सया आमाल हो कयामत तो क्यामत यौमतुब्ला है उस दिन हर किस्म के असरार और रमू हर चीज़ की हकीकत आशकार और जाहिर हो जाएगी तो क़्यामत के दिन

और तुम क्या जानो किमत क्या क्या है यौम उद्दीन क्या है कि इंसान उस दिन किसी भी चीज का मालिक नहीं होगा हर चीज खुदा के हाथ में होगी सूर्य आरियात क्या आयत और इसी तरह सूर्य आरियात की बारवं बारहवीं नंबर की आये यस अलू नोमुद्दीन तो इन आयात में दीन के वूहू यानी कयामत के वक़ूह के हवाले से यकीनी इस कयामत के वक़ूह यकीनी बतलाया जा रहा है कि जिसमें दीन सिर्फ़ वो दीन दिन ना होगा कयामत के दिन सिर्फ वो दिन ना होगा जिसमें हर एक को उसके अमाल का जजा दिया जाएगा बल्कि दीन में योद्दीन में क़्यामत के दिन और भी हक़ाह होंगे जैसे कि तोहहीद नब वत इंसान की हकीकत, इबादत के असरार खुद क़यामत की हकीकत ये वो तमाम तर असरार और असरारमूज है ये वो तमाम तर हक़ है कि जो क़यामत में सब पर जाहिर हो जाएंगे खुदावंद मतलब क़यामत में कुरान के असरार और बतून के जाहिर होने के बारे में अर्शात फरमा रहा है युमा या अतीमत का दिन वो दिन है जिसमें कुरान की तावील जाहिर हो जाएगी और कुरान की तावील का ज़ाहिर होना वही कुरान की असल हकीकत का ूर है कुरान करीम के वसी मारिफ कयामत के दिन ऐसे ूहूर करेंगे कि किसी भी चीज़ में इतलाफ का मौका बाकी न रहेगा

अदालती फैसलों में शक व शुभ इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन कयामत में जहाँ तमाम तर हिजाब हटा दिए जाएंगे और हकीकत सब पर और वाज और आश्कार हो जाएगी वहां पर कोई ऐसी हक... कोई अपने हक तक जो उसका मुस्तैक है कोई भी उस तक ऐसा ना होगा कि वो ना पहुंच सके हर कोई अपने हक तक पहुंच जाएगा और हकीकत किसी पर मुश्तब न रहेगी खुदा मताल ने दुनिया में दीन के जवाहिर इनको आगा आज़, इनको ज़ाहिर फरमाया है और क़यामत में इनके असरार और रमूज को ज़ाहिर फरमाएगा तमाम मारफ कर्न और दीन के तमाम तर आबाद और हिस्सों का क़यामत में ज़ाहिर होना वही चीज़ है जिसे क़यामत में दीन के तोहफिए के नाम से याद किया जा रहा है सुर नूर की आयत य तोफिया यानी दिन के असरार सब पर आश्कार होने का दिन अगर दीन से मुराद सिर्फ जजा देना होता तो इस आय कुरान में जहाँ यह बयान किया कि यामून हो तो इस आयत की जगह ये बयान किया जाना चाहिए था कि वाहमून होमतम यानि क्यामत का दिन से इंतकाम से काम लेगा और उस दिन खुदा इंतकाम सब, दिन दिन सब पर आशकार हो जाएगा और क्यामत में तमाम तरह इंसान यह जान जाएंगे कि खुदा वो रोशन हक था जिसे हम नहीं देख पा रहे थे वरना खुदा तो इस दुनिया में भी रोशन है खुदा की हकीकत इस दुनिया में भी रोशन है क्योंकि खुदा के खुदा है कि जिसके जरिए आसमान और जमीन की रोशनी है और ये तमाम तर हक के है। जितनी भी चीजें देख रहे हैं, हैं सूर्य है। नूर कुरान की पैंतीस की पैंतीसवीं आयात अल्लाह नूरवा और जमीन को नूर और रोशनी बख्शने वाला है खुदा और खुद रोशन चीज है उस पर किसी किस्म का पर्दा नहीं पड़ा हुआ हाँ अगर पर्दा पड़ा हुआ है तो वो हमारी नजरों पर हमारी बसारत पर, पर पर्दा लगा हुआ है लिहाजा कुरान जहन्नमी काफिरों के बारे में बयान फरमाता है कि आ, उनकी आंखों पर गता और हिजाब और पर्दा लगा हुआ है जो उन्होंने खुद अपनी आंखों पर लगा हुआ है सुन कैफ क्या है फी ये वो है जिन्होंने अपनी आंखों पर खुद पर दल लगा, दल, दाल र, दाल रखा है और साथ ही कुरान मचीद बाज के बारे में यूं बयान फरमाता है कि बाज अंदरूनी आंख से बसीरत से अंधे है लाओबी उनकी दो आंखें बना है ये दो आंखें अंधी नहीं है लेकिन उनका कल्ब उनकी बसीरत वो इस कल्ब की आंख से इस बसीरत से अंधे है और जो इस दुनिया में अंधा रहेगा कयामत क्या अंधा ही मशहूर होगा और इस आयत के हवाले से आखिरी नुकता चौथी आयत के हवाले से सुरह हम की इस हवाले से आखिरी नुकता यह कि दुनिया में इख्तलाफा कभी खत्म नहीं होंगे हत्या जब जमाने के इमाम इनशाला जल्ला तरीफ जल्ल इनका जहूर हो जाए तब भी इख्तलाफा मौजूद होंगे और मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होंगे क्योंकि काफिर मुनाफिक यहूदी और मसीही अगर चाहे इमाम महदी की हुकूमत में जिंदा होंगे और जजिया देकर इस्लामी हुकूमत के तहत जिंदगी कर रहे होंगे लेकिन वो होंगे मौजूद होंगे और उनका मौजूद होना इस बात पर दलीलें कि अब तक अख्तलाफा खत्म नहीं हुए और कयामत तक उनके बाकी रहने के बारे में कुरान मजीद सलाहत के साथ बयान फरमा रहा है सूर्य की आयत आयतिया की अगली दूसरी आयत बलबाओम लिहाजा मुस्लह कुल यानी जमाने के इमाम जो आज का दिन जुमे का दिन उनसे मुत्ल है मुसलह कल के जहूर के बाद भी जहूर के दिन भी हक मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर ना हो पाएगा बल्कि क्यामत का दिन है जो हक के जुहूर का दिन है और ये वो दिन है क्यामत का दिन जिस दिन हक सब पर जाहिर हो जाएगा और हक मुकम्मल तौर पर जाहिर हो जाएगा और दुनिया के तमाम तर असरारमूज इस तरह सब पर जाहिर हो जाएंगे कि सब लोग अवलिन से लेकर आखिरी तक सब एक जगह जमा होंगे और उन सब मिलकर हक का मुशाह कर रहे होंगे हक का नजारा कर रहे होंगे अब तक जो मारफ आप खुदा ने बयान किए गए उससे खुलासा और निचौ यह होगा कि सूर्य हम की इब्तदाई आयात में जहाँ खुदा की उलोहियत और रबूबियत और रहमानियत और रहमियत और मालिक मालिकियत का जिक्र हुआ खुदा अला है रब है रहमान है रहीम है मालिक योम दीन है वहाँ इंसान जो खुदा से गायब था अब उस इंसान के अंदर यह सलाहियत पैदा हो चुकी है कि वो अब सालिक खुदा की पहचान के बाद खुदा के असमाय हसना को जानने और पहचानने और मानने के बाद अब अपने आप को खुदा की महजर में हाजिर पाता है और फिर गैबत से हुजूर की वादी में दाखिल होता है और इन आसमाय हसना को मानना गैबत से हुजूर की वादी में दाखिल होने का सब बनता है अगर कोई शख्स उसके लिए साबित हो जाए कि खुदांद मताल तमाम तर वजूदी कमालत का मजमु है यानी अल्लाह है वो है जो तमाम तर अवाले में वजूदी का मुतलक तदबीर करने वाला है यानी यानि आलमीन है और उसकी मुतलक रहमत सब पर अफकन है यानी यानि है और एक खास रहमत रखता है जो मोमिन और खुदा के राह में सालकिन से मखसूस है यानी अलरम है और उसकी बेहद बेहद मर्ज मालिकियत जो मोमिन और खुदा के राह में सालकिन के लिए है उनसे मखसूस है ये सब पर वाजे हो जाए कि मुताल मालिकियत रखता है यानी मालिक योम दीन है तो फिर खुदा के सिवा कोई भी हस्ती इस लायक नहीं होगी कि इंसान उसके सामने खजूर तवाज करे और जब इन तमाम तर उमूर पर ईमान लाए ऐसा बंदा जो अब तक गैबत की वादी में था अब अपने आप को खुदा की महजर में हाजिर समझने लगेगा और फिर खुदा की महज खुदा के कहे का मुखातब करार पाने का लायक बनेगा लेकिन अगर कोई शख्सम हुस्ना को न समझे या न माने खुदा के कहे का मुखातब बनने का लायक नहीं होगा क्योंकि वो शख्स गायब है ना क्या हाजिर वो खुदा को नहीं देख रहा खुदा तो मशहूद है मुतल है खुदा तो जाहिर ही जाहिर है तो हमें कोशिश करनी होगी हम इस गैबत की वादी से खारिज होकर शहूद की वादी में खुदा मुताल की मज़र में हाजिर हो सके ताकि खुदावंद मुताल के कहे का महातब बन सके खुदा मुताल हमें वो बसीरत इनायत फरमाए कि जिसके जरिए हम इन असमा हुस्ना का मुशाह करके गैबत की वादी से इन गबत के पर्दों को हटाकर हुजूर की वादी में वारद हो सके रजाकलशाला वरह व